जानकीपुरम गार्डन में एक घर के अंदर कुछ हाई प्रोफाइल लोग जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लाखों की नकदी, 2 लग्जरी कार, 8 बाइक, 34 मोबाइल और 3 ताश की गड्डी के साथ 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी के मुताबिक वह मकान संजीव तिवारी का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो सट्टेबाजी बताई जा रही थी, एक कहां कहां अभी तक इन लोगों ने जो है कितना बड़ा नेटवर्क इन लोगों का फैला हुआ है? ये आज थाना जानकीपुरम के जानकीपुरम गार्डन के एक घर में 28 लोग को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है, जिनके पास से 2-4 पहिया वाहन, क्रेटा और हुंडई, 8 मोटरसाइकिल, 34 मोबाइल, 3 ताश की गद्दियाँ और लगभग 9.5 लाख रुपये फड़ में और 1 लाख रुपये उनके पास जामा तलाशी में बरामद किया गया है। और इनसे जो अभी पूछताछ हुई है, इसमें से 2 लोग हरदोई के रहने वाले हैं, 3 लोग बाराबंकी के हैं और 1 लोग सीतापुर के रहने वाले हैं, बाकी और सारे लोग यहाँ लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है कि ये जो सट्टेबाजी कर रहे थे, ये जगह बदल बदल के करते थे। आज हम लोगों ने मुखबिर की सूचना पर अपनी क्राइम ब्रांच की टीम और इस थाने की टीम दोनों के संयुक्त प्रयास से इन लोग को इनकी अरेस्टिंग की गई है और ये सब चीज़ें बरामद हुई। अभी इसमें से जो लोग फरार हैं, क्या उसमें सरगना था? हाँ, इसमें से अभी 2 लोग को फरार बताया जा रहा है, जिसमें एक राजेश और एक मंजर। माना जा रहा है कि इनके ही कहने पर ये लोग जगह शिफ्ट करके इस तरह सट्टेबाजी करते हैं। उनकी अरेस्टिंग भी हम लोग शीघ्र करेंगे और उनकी अरेस्टिंग के बाद बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। लेकिन ये जो 3 अदर डिस्ट्रिक्ट्स के भी लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग को ये लग रहा है कि बाकी ज़िलों के और भी लोग यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हम लोगों की पूरी पूछताछ नहीं हुई है और क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग और थानों से पता कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अभी ज़्यादातर लोग खिलाफ़ मुकदमा पहले भी दर्ज है। हम आगे भी इनके खिलाफ़ गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। सट्टेबाजी करवाते थे ये लोग या जुआ भी खिलवाते थे? नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं, ये ताश के पत्ते से जुआ खिलवाते थे। और चूंकि अभी इस समय क्या कहते हैं ये चल रहा है, अभी IPL चल रहा है, तो इनकी सट्टेबाजी में भी IPL सट्टेबाजी में भी इनका हाथ हो सकता है। उस बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इनके अन्य साथी हैं जो दूर से इस चीज़ को करा रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग भी हम लोग शीघ्र करेंगे और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके सब के खिलाफ हम लोग स्ट्राइक में कार्रवाई करेंगे। जिस मकान में ये पूरा कारोबार किया जा रहा था, वो मकान मालिक ने क्या कुछ सत्यापन कराया था, नहीं कराया था? नहीं, अभी मकान मालिक से बात नहीं हुई है। कर रहे थे? हाँ, नेचुरली अभी हम लोग मकान मालिक तक नहीं गए हैं, अभी हम लोग इन्हीं की अरेस्टिंग कर पूछताछ कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जिस घर में जुआ खेल रहे थे, हम लोग उसके मकान मालिक से भी पूछताछ करेंगे किन हालात में वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं और उनका भी रोल है इसमें संरक्षण देने में या नहीं है, और अगर उनका भी इसमें कोई रोल पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होगी। नॉर्थ जोन के कई एरियों में छापेमारी करी गई है पुलिस के द्वारा, तो वो किस वजह से करी गई है? जैसे इंदिरा नगर में भी आज हुई थी, गाजीपुर में भी। जी हाँ, हम जो भी सूचना मिलती है तो हम उस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होटल में हुक्का बार की भी सूचना मिली थी महानगर थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है और हुक्के बरामद किए गए हैं। हम उनके खिलाफ भी महामारी अधिनियम और इसके लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, इसमें अगर बात की जाए, जिस तरीके से नॉर्थ जोन की क्राइम टीम ने कार्रवाई की है पूरी, तो ये कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा भी की जा सकती थी? नहीं, इसमें स्थानीय पुलिस और हमारी क्राइम टीम दोनों का संयुक्त प्रयास था। ये नहीं कह सकते हैं कि थाने की टीम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चूँकि ये एक बड़े लेवल पर ये गैम्बलिंग हो रही थी। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सटीक सूचना और हम लोग पूरी तैयारी के साथ वहां जाएं, इसलिए इस कार्रवाई में देरी हुई। बाकी इन दोनों के प्रयास से ही ये सफल हो पाया। मैं इस दोनों के लिए अपनी टीमों को बधाई देता हूं और इनके लिए 20,000 रुपये का इनाम भी दे रहा हूँ। 20,000 रुपये का इनाम। जितने लोग थे मौके पे खेले थे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।